फर्स्ट खा रहे हैं सुबह का 4:30 को पिता हम लोग खेल पिता और चाय पी रहे हैं अभी मेरा देवर बेटी सुबह का 4:30 को सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सबको देखिए लाइट नहीं है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बस्ती में ना सब सोलर से चलाते मम्मी भी पिता को एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे जेमी और उसका बुआ पे जेमी इतना ठंडा है बाहर पे खेल रही है कुकी आपको कल का सॉक्स का रखा है और पे ना दोस्तों देखिए बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह दिखते हैं यहाँ पे ऑरेंज भी बहुत ज़्यादा है ऑरेंज का घर घर में ऑरेंज गच्चे इतना ज़्यादा है कि हर जगह में ऑरेंज ही ऑरेंज नज़र आ रहा है देख के उल्टा खाने के लिए नहीं हो रहा वहाँ पे धूप वहाँ में भी है वो धूप निकलना शुरू हो रहा है वो पहाड़ पे वो ना वो पहाड़ पे एक बजे तक आ जाएगा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है तो सब सोलर ही यूज़ करता है नेटवर्क तो बहुत दूर का बात है नो नेटवर्क नो इलेक्ट्रिसिटी लेकिन बहुत जगह जो शांति पीस है गाइस हम लोग अभी मेरा मिस्टर का बुआ का घर जा रहा है वो उसके उससे पहले एक घर जा रहा है ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है हाँ एक चाचा का घर जा रहा है वो ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है ब्रेकफास्ट मतलब चावल ही खाते हैं यहाँ ब्रेकफास्ट में भी तो देखिए रास्ता ऐसे होते हैं लोग ऐसे होते हैं देखिए मेरा मिस्टर का बस्ती सो इंटीरियर पर बहुत पीस है यहाँ पे ना यहाँ पे हम लोग बहुत एंजॉय कर रहा है रास्ता देखिए गाइस देखिए इस तरह है वो लोग बस्ती का रास्ता हाँ रुको हाँ ये बम्बू जो यहाँ में एक कहानी है बोला है ये का मेरा पापा मतलब कि मेरे हस्बैंड का पापा का तो मम्मी जो बताएगा बोल रहे बताओ तो मम्मी बोलो ना बुनी समय में वो ऊपर में पापा उतरा था ना ऊपर में उठते समय में ऐसे होते सब ऐसे ऐसे है ना दोनों पाव पाक हो गए ना यहाँ में पास के ना पापा आधा मोरा रू रहा था बोला एक तो पूरा मकंग बोलते वो जो ना मकंग पास गया ऊपर उठता है नीचे नामता है ऐसे करके पास के आधा मोरा खतर तुम होने वाला था ओहो यहाँ में पापा का पाव फंस गया था वैसे यहाँ में ना दो बम्बू मतलब दूर दूर हो गया था बोला था क्या ना बम्बू का उसमें दोनों पाव अलग अलग होके फंस गया था उसमें पापा रो गया था वाले तो अभी जाएंगे यहाँ से हो गया, मिट्टी फेंकाता बोलते हैं पापा जो उसका बेस्ट फ्रेंड को मिट्टी से खेल रहा था वाला है मिट्टी कीचड़ से तो दोस्त का आँख में मिट्टी दग गया था बोला कीचड़ तो वो अपने आप को अंडा हो गया बोल के रोआ था बोलते मेरे वीडियो पे बने रहे ये इसका बस्ती है मेरा हस्बैंड का बस्ती है मुझे पता होता तो शायद मैं मना भी करती इतना भयानक है चलने के लिए लेकिन बहुत यहाँ में शांति है शांति एंड एवरीथिंग जो खाना पीना है सब एकदम ऑर्गेनिक एंड एकदम मेडिसिनल कुछ मेडिसिन यूज़ नहीं करता है यहाँ पे कुछ बीमार नहीं होगा आजकल का ज़माना में तो खाना पीना से बीमार निकल रहा है तो यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनिक है यहाँ से जाएंगे हम अभी ये घर पे जाएंगे अभी देखिए मिठुन भी सीढ़ी ऐसे हाँ दोस्तों हम लोग सुबह का 5 बजे से चावल खाना शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट मतलब चावल ही मिलेगा यहाँ पे ना यहाँ पे है सब आ चुका है
सब आ गया। ये है घर मालिक, ये है हमारा चाचा, खाना के लिए बुलाया हम लोग। चावल ही होगी, हम मेरा अतो होगा, अतो अतो है जमें करेंगे पूरा काली मिला। तो हर घर में हम लोग को ना वो जंगली मीट मिलता है, तो इसको मंडो बोलते हैं इंग्लिश से, पता नहीं क्या बोलते हैं। कोई अगर जानते हैं तो आदि वाला कोई है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। इसको मंडो बोलते हैं, हर घर में आपको जंगली मीट ही मिलेगा। और ये लोकल फिश, आई एम एंजॉइंग। वैसे हम लोग निकल रहे हैं अभी खा पी के, ब्रेकफास्ट करके अभी निकल रहे हैं। अभी हम जाएंगे पापा का दीदी का घर, मेरा हम लोग का पापा का दीदी का घर जाएंगे अभी, सबसे बड़ी दीदी। और पापा का बचपन कहाँ में था, मैं वो उसको भी दिखाऊंगी। अभी हम जाएंगे पापा का बड़ा भैया का घर में, सबसे उसके उससे पहले बुआ के पापा का दीदी का घर जाने से पहले पापा का बड़ा दीदी और पापा का बड़ा भैया का घर जाएंगे। आया गैस पूरा सांस फूल जाते हैं। घर की मालकिन मामो, बड़ी मामो, सबका ऐसे ही सीढ़ी होता है अपने किले ऐसे 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 ऐसे। उसके बाद यहाँ पर हम स्लीपर को रख देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बहुत इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सोलर। ये घर का मालिक भाई, दीदी ने एक तो काले दिया है। ये है पापा का दीदी का घर। प्री दीदी गहन अमन बिला अमन गहन है ना गहन जीजा जी देंगो अमन ये दीदी बोलन काते दन यहाँ पे लोगों के पापा का बस्ती पे कब टाइम ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हर किसी को मिलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत साल के बाद फैमिली गेट टुगेदर हुआ है। उसके वजह से हम हर एक घर पे जाके मिला सबको, रिलेटिव्स वगैरह सबको मिला, और बस्ती वालों को टाइम का पता ही नहीं चलता था वहाँ पे। गाइस योगों का ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तब आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।